और भी देखता हूँ जगह ऐसे हाँ इतने ताल नहीं बजा पाते, मतलब आपको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली है, मतलब कुछ ऐसा हाँ तो वो इतने सारे सुर तार आप निकाल दे रहे हो मतलब हुड़के, तो वो हमारे गुरु ठहरे थे, उनसे तो सीखा हमने। अच्छा अच्छा, अभी भी जाते रहते हुड़का शुरू में, जैसे जागर शुरू हुए तो हुड़का मेरे को देते, जनरल कर्नल बड़े बड़े साहब लोग, कोठी के मालिक, बंगलों के मालिक, वो भी अपने पहाड़ में आते हैं, अपने देवता की पुजारी करते हैं। हाँ हाँ, जब 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 देवता लगता है ना उन पे, तब वो खोज होती है। अलग अलग रहते हैं, कोई अपनी विधि से, किसी की विधि में अलग होता है। हाँ, रिश्ते जंगलों में रहते गुरु जी, आपको डर नहीं लगता है? ना ना, डर किसी बात का, आपके गुरु जी। देखो दोस्तों, गुरु जी से मिलने के लिए कैसे रास्ता आया मैं। हाँ। तो गुरु जी, यहाँ रात में शेर वगैरह नहीं आते क्या? आपको क्यों नहीं आते हैं? जंगल शेर वगैरह तो यहीं पर रहते होंगे। हाँ, हाँ, जंगल में। अच्छा, सारे शेर वगैरह यहीं रहते होंगे। एक नई कहानी की शुरुआत और करता हूँ मैं आप लोग। इस चैनल का उद्देश्य है उत्तराखंड की लुप्त हो रही संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। इस चैनल में आप अपने स्थानीय उत्तराखंड के गुरुओं को सबको देखेंगे और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो जो आप पूछो। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, संस्कृति उभर रही है, तो आप लोगों को बताना है कि गोलजू का जो नाम लेता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब। उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से हिमचू पहाड़ी चैनल में स्वागत है आपका। और आज हमारे सामने गुरु जी हैं, और दोस्तों मैं गुरु जी से मिलने के लिए कैसा घना जंगल पार करके आया हूँ। मैं भी आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, कैसे कैसे रास्ते से मिलकर, और हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी विद्याएँ लुप्त हैं, और मैं गुरु जी के माध्यम से आप लोगों के सबके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, गुरु जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताओ। गुरु जी, क्या आपका नाम है और कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? गुरु जी हमारे दर्शकों को बता दूँ। हाँ जी, त्रिलोक राम जी नाम है हमारा। त्रिलोक राम जी। और गुरु जी, कितने टाइम से आप ये कार्य कर रहे हो? ये कार्यक्रम कर रहे हम ऐसे कर रहे होंगे 25-26 साल से। 25-26 साल से। हाँ गुरु जी, ये आपका मतलब पैतृक काम है या मतलब आपको बाद में रुचि आई या बाद में सीखा आप? मतलब ना, पहले से, शुरू से बचपन से वो था हमारे चॉइस। अच्छा, बचपन से चॉइस था इसका। बचपन से चॉइस। अच्छा, तो मतलब आपके घर में और भी कोई लगाते हैं या आप ही गुरु जी खाली आप ही, मतलब कितने बच्चे हैं आपके जो रुचि रखते हैं इस मामले में? नहीं, बच्चे तो हमारे ये के हैं, लड़का हमारे ये के हैं, और तो हमारे भाई साहब हैं मेरे, मतलब पिताजी के भांजे, तो उनके साथ में रहते हैं हम, उनके साथ में सीखे जागर जुगर, अभी भी जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, लगाते रहते हैं जागर भांजे। हाँ, और आपके भाई साहब वगैरह भी कोई लगाते हैं या मतलब आप ही, मतलब कितने भाई लोग हैं आप गुरु जी? हम तो दो भाई हैं, छोटा भाई नहीं लगाता, छोटा भाई तो जॉब करता हूँ। हाँ, जॉब करता है। और आप जो बड़े भाई साहब? बड़ा मैं ठहरा, पर मेरे पिताजी के भांजे ठहरे हो। अच्छा, जो जगरिया हैं। अच्छा, वो भी जगरिया हैं? वो भी जगरिया हैं, उनके साथ में रहता हूँ। अच्छा, पिताजी के जो भाई के भांजे के जगरिया हैं आपके, उनके साथ में आप जगह लगाते हो? पिताजी के भांजे हैं वो। अच्छा अच्छा, हमारे भाई साहब भी तो है, पिताजी का भांजा। हाँ, भाई साहब तो भी ये काम को करते हैं। हाँ, वो तो बचपन को उनका खानदानी का काम है। अच्छा, उनका खानदानी के पेटी। तो आपके गुरु कौन हुए गुरु जी? वही ठहरे हमारे गुरु। अच्छा, आपके भाई साहब गुरु हुए? हाँ गुरु। तो वो भी मतलब सब नाचते हैं, मतलब ऐसी जागरण वगैरह लगाते हैं? हाँ, जागरण लगाते हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे आपको मतलब मैंने जैसे और भी देखता हूँ जगह ऐसे, लेकिन इतने ताल नहीं बजा पाते, मतलब आपको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली है, मतलब कुछ ऐसा? इतने सारे सुर तार आप निकाल दे रहे हो मतलब हुड़के? तो वो हमारे गुरु ठहरे थे, उनसे तो सीखा हमने। अच्छा अच्छा, अभी भी जाते रहते हैं हुड़का शुरू में, जैसे जागर शुरू हुए तो हुड़का मेरे को देते हैं, मैं बजाता हूँ, तो थोड़े 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 फिर देवता भी नाचे, बात धीरे धीरे कहीं पे उनको दे दिया, कभी उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया, तो चलते रहते हैं मतलब ऐसा। अच्छा, इसमें तो मतलब जैसे इतनी प्रकार की आपकी चाल आती है ना। हाँ, देवते तो छोड़ो, कर मतलब वैसे इंसान, साधारण इंसान भी नाच जाएगा मतलब ऐसी चाल। हाँ, इतनी तरीके से आप चाल। हाँ, हाँ, इतनी तरीके से हुड़के को बदल बदल के गुरु जी? बहुत 22 चाल होते हैं, बहुत चाल बजाने पड़ते हैं। अच्छा, 22 चाल मतलब 22 के 22 बजा देते हो गुरु जी? हाँ हाँ हाँ, बजा देते हैं। या और भी होते हैं गुरु जी? 22 ही होते हैं या और भी चाल? नहीं, 22 ही होते हैं, 22 प्रकार का हुड़का बजता है।
प्रकार से उड़का बसता है, तो वो आपको सारी विद्याएं आती होंगी। मजा आते हैं। मैं बहुत सारे लोग आप कम जानते हैं ना, इस तरीके से वो तो केवल एक ही चाल जानते हैं। हाँ 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 बम 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 चल दिया भैया, हम नाच रहे हो तो नाचो, नहीं नाच रहे हो मैं नाचो, हमारा काम है हम तो चल रहे। हाँ जी जी, तो गुरु जी जो आपके मतलब कभी कोई ऐसा जैसा आजकल की जो हमारी यूथ पीढ़ी है, जैसे हमारे जो नए लोग हैं वो इस चीज को नहीं मानते, कहते हैं अंधविश्वास या वैसा, गुरु जी कोई ऐसा प्रमाण वगैरह जैसे कभी आपके आंखों के सामने? नहीं नहीं, अब जब जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो देश विदेश से बड़े बड़े जनरल कर्नल भी इस चीज को मान रहे हैं, जागरण लगाते हैं हम उनके भी। अच्छा, जनरल कर्नल? हाँ जनरल कर्नल, बड़े बड़े साहब लोग, कोठी के मालिक, बगुलों के मालिक। अच्छा। वो भी अपने पहाड़ में आते हैं, अपने देवता की पूजा ही करते हैं। अच्छा। हाँ जब जब देवता लगता है ना उनपे, तब वो खोज होती है। बाजे लोग, हमने ऐसा जगह गए हम जागर लगाने के लिए, जजमानी ही नहीं वो भी, उनके हमारे यहीं पर जागर जुगर उनके भी लगाते हैं, तो दिल्ली चले गए सब छोड़ छाड़ कर, मकान हकान टूट गया। अब तब देवता लगा उन पे, तब आए वो सब के सब, तो मकान तो सारा टूट गया, तो उन्हें उसके ऊपर तिरपाल ओढ़ा, मकान के ऊपर जहाँ पर जहाँ मकान था, तो वहाँ पर तिरपाल ओढ़ा, मकान तो पूरा टूट गया था, तो खाली वहाँ सुषुणा जम रखा था, सुषुणा भूषणा काट कूट के, तो वहीं पर उन्होंने पत्थर आता भी सब कर दिया इधर उधर, तो वहाँ पर दीपा घुसा उन्होंने, वहीं पर तंबू ओढ़ के, तब रात को वहाँ जाकर लगाई, तब देवता वहीं पे माना, वहीं पूजन हुई देवता के। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये छोड़ने वाले चीजें नहीं। हाँ ये बहुत कैसे लोग वे हो तो वो एक ना एक दिन मानेंगे जरूर। हाँ नहीं मानेंगे तो उनके बच्चे मानेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे तो उनके बच्चे मानेंगे। अब सब मानते हैं, हमने तो सारा दुनिया संसार सारा देख लिया। अच्छा ये सही है। हाँ हाँ हरिद की, हाँ वोट में मरा तो आया। हाँ हाँ वही तो। अच्छा, जैसे और जी भी जैसे आज के टाइम में ना, हम जैसे अब आप इतनी जगह जागर लगाने जाते हो, ये जगह लगाने जाते हो, हर किसी की विधि अलग अलग रहती है, अलग अलग रहते हैं, कोई अपनी विधि से किसी की विधि में अलग होता है। हाँ शक्ति का केंद्र तो एक ही होता है ना। हाँ ना, शक्ति का एक ही होता है, अब गुरु तो ये कि ठहरा नहीं। अब भाषा अलग अलग ठहरी, अब कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, अब घुड़के की चाल भी ठहरी, कोई नहीं जानता उतना, उन्हें अपना साधारण। हाँ और गुरु जी जैसे बोले, जैसे आप कहाँ कहाँ जाते हो गुरु जी जागर लगाने, जैसे कितनी जगह जाते हो? बहुत बहुत देहरादून, दिल्ली, तुम्हारा ये तल्ला मल्ला भावरी, तो हर जगह मालधन बस्टला ठेरी और ये नरसिंहपुर तिरुमदारा और ये क्या नाम देते इधर काशीपुर और इधर दिल्ली, और दिल्ली भी देहरादून भी, वहाँ से इधर लोहाली ताड़ी खेत। हाँ ऊपर भतरों खान, ये कोटाबाग तलिया, और ये पहाड़ में तो बहुत बहुत जगह, नैनी डांडा हल्दुआ खाल, ये वहाँ से ये तुम्हारा अब जी बहुत बहुत सराई खेत हैं, मालला और इधर ये सारा कुमाऊं का इलाका सारा ठहरा, ये हरड़ा और उधर भवन खाल और क्या नाम लेते इधर ये बेताल घाट। अच्छा, बेताल घाट भी और इधर भी ये क्या नाम देते हैं उखल ढूंगा ये छोई वो क्यारियों
बशोला। हाँ बशोला। अच्छा गुरु जी, जैसे आपकी इतनी तगड़ी जजमानी है कुमाऊं गढ़वाल चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह, हाँ, तो जैसे गुरु जी कभी आपने कोई अपने शिष्य वगैरह भी बनाए हैं, जैसे कोई शिष्य वगैरह कोई मेरे यहाँ या चल मेरा तू शिष्य बन जाता? हाँ हमारे भाई साहब ने बनाए, बहुत बनाए हैं। अच्छा बनाए बना रखे हैं। हाँ अभी आपने नहीं बनाए होंगे? ना हमने नहीं बनाया, अभी हम उनके साथ में चल रहे हैं फिर। अच्छा हम जब तक भाई साहब, हाँ जब तक भाई साहब हैं, भाई साहब के साथ चल रहे हैं। अच्छा भाई साहब के साथ बस, अकेला नहीं, अब उनके साथ में तो आदमी ये तीन चार आदमी तो इनका जोड़ा जो रहता है ना। अच्छा अच्छा, जैसा भाग लेने आया थाली बजाना है कहीं पर, ये भी सुना है गुरुजी, जैसा जैसा आदमी तो आपके साथ भाग ही नहीं लगा सकता है। हाँ ये भी है। हाँ हाँ, जैसे ना हाँ, मतलब भाग लगाते हैं कोई, हाँ तो आपके सामने हाँ, कोई मतलब ऐरा गैरा वैसे भाग नहीं लगा। ना 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 ना, हाँ भाग भी कितने होते हैं इसमें, कथा जो होते हैं जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं उसकी निचोड़ अलग है, उसका रास्ता अलग है, वैसे उस हिसाब से भाग भी चलेगा। अब जैसा ये सीधा लग गया वो तजुर्बा अलग है, वो भाग लेने का अलग है। जैसा डाउन लग गया हो हमारे को मालूम नहीं करूँ क्या लगो, वो अलग चीज़ है। उठाना बैठाना तो इसमें बहुत सारे कठिन, भाग लेना भी मजाक बानी है, थाली बजाना या हुड़का बजाना। काफी अच्छा लगा गुरु जी आपसे बात करके। हाँ सभी दर्शकों ने, हाँ आपने गुरु जी सभी दर्शकों को हमारी एक अच्छी जानकारी दी है। हाँ और आप इतने मतलब गुरु जी आप यहाँ पर इस जंगलों में रहते हो गुरु जी, आपको डर नहीं लगता है? ना ना डर किसी बात का, आप गुरु जी होटल वगैरह भी सब यहाँ पर है, आप तो अच्छा हो गया, लेकिन पहले से आप रह रहे हो, कितने साल से रह रहे गुरु जी आप? बहुत पहले से रह रहे, बहुत पहले से। अच्छा तो यहाँ पर डर नहीं लगता गुरु जी? नहीं नहीं डर हर कुछ नहीं लगता, भगवान का सहारा हुआ, बस भगवान के सहारे से। काफी अच्छा लगा गुरु जी, काफी अच्छी जानकारी दी। Yeah.
जाएगा बजाते हुए थाली वाले भी बुरे गाल रहे क्या हो गया आजकल इतनी ताल मतलब कोई नहीं बजाता दोस्तों आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दृश्य है ये। यहाँ पर लोग आने के लिए काफ़ी खर्चा करते हैं, टूरिस्ट पार्क है और यहाँ पर अन्य किसी जगह ठीक है को आने नहीं दिया जाता है। इधर एक जंगली जंगल है ना, लुत्फ में आनंद ले सकते हैं। इधर का ये देखो रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये तो रात में देखो दोस्तों गुरुजी से मिलने के लिए कैसे रास्ता आया मैं। भाई साहब गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। सब कुछ मिला रे भोले ते, देखो दोस्तों रास्ता, ये गधरा है पूरा, ये गधरा आता रहता हुआ। दोस्तों हमारी गाड़ी ये है और ये सड़क आ गई है और ये यहाँ से पूरा गांव हुआ गुरुजी का। क्या है गुरुजी इस गांव का नाम, क्या क्या नाम है गुरुजी? ग्राम टेढ़ा दुर्गापुर। अच्छा दुर्गापुर है, दुर्गापुर। तो गुरुजी यहाँ रात में शेर वगैरह नहीं आते क्या? आपको क्यों आते हैं जंगल सारे? शेर वगैरह तो यहीं पर रहते होंगे। हाँ जंगल में। अच्छा सारे शेर वगैरह यहीं रहते होंगे। मच्छी भी हो रही है यहाँ पर। जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता दी। का रास्ता करीबन एक दो किलोमीटर, रास्ता थोड़ा ख़राब हो रहा है दोस्तों। मैन सड़क ये आती है पब्लिक प्लेस में।